ऊपर जूते जमाए। ये भाई भी हमें सही से पहचान गए, ये भाई है, ये भाई था, ये हमें देखते ही पहचान गए। एक्साइटमेंट इतनी थी मैं तो उसका, जिस बॉक्स में मैंने जूते चप्पल रखी थी वो बॉक्स से टाके चल दिया मैं। अच्छा अच्छा ये एंट्री है, पता नहीं लॉकर रूम में क्या है, पता नहीं। यहाँ पे गाइस जो फोर्स अलॉट की है वो सीआरपी है, सीआरपी के सारे जवान यहीं पे ही हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेफ्टी दी हुई है, ये देखिए। मतलब कोने कोने पे आप देखोगे ना, थोड़े से 5 कदम 10 कदम चलते ही सीआरपीएफ वाले आपको दिख जाएंगे। सेफ्टी तो है भाई, सेफ्टी ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी ढील छोड़ दी तो यहाँ कुछ ना कुछ उल्टा काम हो ही जाएगा। दिलीप पोखरकर जी, जेब कतरे थोड़े से, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो महाराम मंदिर के पास बने हुए लेकर पर आता हूं भाई। अपना सावधानी से ही हो, ठीक है? कैमरामैन है तू तो देख के पॉकेट साफ करियो। सेफ्टी के लिए अभी पास करना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए पास करते भाई। सेफ्टी चेक हमने कर लिए पास और अब हम घुस चुके अंदर। कुछ ऐसा सा व्यू है अंदर तो अभी मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग सी फील आती है ना, वो नहीं आ रही अभी। और अंदर चल के देखते हैं भैया। देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, सबके सब कुछ ना कुछ अभी मतलब बन ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगता है अब आने वाला है मेन मंदिर, पर उससे पहले लॉकर रूम आ चुके हैं। ये है कुछ लॉकर इस टाइप के, ये देखिए, ये है लॉकर। ये है मेन एंट्री, वो देखिए अभी मतलब बन ही रहा है, उसका जो टॉप है ना मंदिर का, तो अभी फिर मतलब मैं अपना फ़ोन करता हूँ ना चमा और जो भी मेरे पास सामान है, और फिर अंदर चलते हैं मंदिर में, फिर बताता हूँ अंदर से क्या है क्या नहीं। ओके आप बने रहिए। गाइस जो था वो था बस जूते चप्पल जमा करने के लिए, लॉकर रूम अभी अलग मिलेंगे, अंदर मिलेंगे तो फिर अंदर करते हैं जमा। और अभी दिखाता हूँ भाई लॉकर रूम क्या है क्या नहीं, यहाँ पे किस टाइप के हैं। जूता चप्पल तो कर दी जमा, जूता तो है ही नहीं, चप्पल ही चप्पल थी। ये जो आपको अंदर दिख रहे होंगे ना 1 2 3 ये जो भी है, ये सब लॉकर है, जो भी हमारे मोबाइल से जो भी महंगी चीज़ है वो सब यहाँ जमा होगी। तो अभी फिर मैं करता हूँ यहाँ पे जमा और फिर जाता हूँ श्री राम जी के दर्शन करने, और फिर आपको भी बताता हूँ कैसा मंदिर है क्या है क्या नहीं। ओके फाइनली गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और मोबाइल वगैरह हमने सब ले लिया, अभी जूते लेते हैं, मतलब अपनी चप्पल लेते हैं और फिर बताता हूँ अंदर जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मंदिर में जाते हुए, वो सब मैं चीज़ अभी बताता हूँ आपको। ओके भाई भीड़ आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है, और अभी मैं एक बार ले लेता हूँ चप्पल फिर मिलता हूँ। ऐसा है जहाँ पे चप्पल जूते जमाए, और ये भाई भी हमें सही से पहचान गए, ये भाई है, ये भाई था, ये हमें देखते ही पहचान। एक्साइटमेंट इतनी थी मैं तो उसका, जिस बॉक्स में मैंने जूते चप्पल रखी थी वो बॉक्स से टाके चल दिया मैं। अच्छा अच्छा
गाइस अगर मंदिर की बात करें भैया, मंदिर तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। एकदम मतलब जैसा सोचा था वैसा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। सारी कारीगरी एक नंबर की थी, और जो कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति थी भैया, वो भी मतलब एक ही मतलब था। तो मतलब व्यू दूर से देखने का, पर दूर से भी भैया बहुत ही प्यारी जो थी मूर्ति, बहुत ही अच्छी थी। अभी मैं रुका हूँ कुछ खाने के लिए, अभी मैंने लिया समोसा, और फिर आगे करते आगे जारी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस पिज़्ज़ा ही खाया, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने समोसा लिया, ये रे समोसे, दो समोसे खा के। वैसे तो मैं खाता नहीं, पर मुझे खाना पड़ रहा समोसा। और अभी चाय, अभी चाय बना रहा भाई, चाय आती है सब ठीक है। फिर मैं चलते आगे के सफ़र के लिए, अब चलता हूँ आगे की तरफ। अभी मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं कहाँ जाना है, पर रात को एक दो चीज़ें देखी थी इसी रोड पे थी, तो इसलिए सीधा सीधा चल रहा हूँ। सोच रहा हूँ पहले वो चीज़ें देख लूँ, फिर पूछ लेंगे आगे कहाँ पे और क्या चीज़ है। देखिए ये मंदिर की बात नहीं है, बात कर रहा था रात को मैंने देखा था। मतलब देखने में मुझे बहुत ही पुराने से टाइप का मंदिर लग रहा है, अलग ही मतलब कुछ फील आ रही है इसे देखने से। तो अभी देखता हूँ इस मंदिर में, देखते हैं एंट्री कहाँ से है, और अगर इसमें कैमरा अलाउड हुआ तो मैं लेके जाऊँगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर, किस चीज़ का मंदिर है, मुझे तो अभी कुछ पता भी नहीं। फिर मार्केट एरिया गया, अच्छा वो है मंदिर हनुमान गढ़ी, वहाँ पर जाना है मुझे। एक ये भी मंदिर है उसके सामने ही, वो भैया है। तो अभी करते हैं उस मंदिर को भी, उस मंदिर के मंदिर को भी कवर। निकलते रहे व अन्य दर्शनार्थियों को भी दर्शन करने का मौका दिया, धन्यवाद। ये है कुछ मंदिर की एंट्री। नमस्कार, अयोध्या पुलिस आप सभी श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में आज स्वागत करती है। कृपया प्रवेश द्वार से ही अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। इसमें मुझे लगता है फोन में सब लग चप्पल बाहर रखी थी, काटता हूँ अंदर कैसा होगा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। कलाकारी पर ये पुराना ही मंदिर है, तो मुझे लग रहा है कि अंदर भी हनुमान जी का मंदिर बनेगा। काम तो चल रहा था, वहाँ मूर्ति भी थी, पता नहीं कब बनेगा। ये सब तोड़ दिया, यानी यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी ये कुछ करते होंगे चेंज,
चलते हैं अभी आगे, क्योंकि टाइम हो रहा है कुछ ज़्यादा, जल्दी जल्दी कवर करना है अब, और कल सुबह निकलना भी है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट, जो भी अब नई चीज़ आएगी कुछ देखने के लिए। यहाँ पे ना एक चीज़ है, जो भी मंदिर बनाए हुए हैं ना थोड़े ऐसे हैं, मतलब किले टाइप के, जैसे किले के पहले किला हो फिर मंदिर बनाया हो, या मतलब उसका जो भी डिज़ाइन है वो किले की तरह ही है। ये मंदिर भी देखिए ऐसे ही है, जैसे किला है फिर अंदर मंदिर है। सो अब हम आ चुके हैं, अपनी चप्पल लेते जल्दी से बच्चे आगे की तरह। ओके